Swayam Prabha, Digital India, Educated India. आप सभी को नमस्कार हमारा बीमा विधि व्याख्यान श्रृंखला में ये पांचवा व्याख्यान है जो कि बीमा योग्य जोखिम अर्थात द इंश्योरेबल इंटरेस्ट आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे इससे पहले के व्याख्यान में हमने सर्वप्रथम यह जानने की कोशिश की कि बीमा क्या है बीमा का अर्थ क्या है उसकी कुछ परिभाषाओं के द्वारा हमने बीमा के अर्थ को जानने की कोशिश की इसके अलावा बीमा की नेचर क्या है उसकी प्रकृति क्या है बीमा के कार्य क्या होते हैं किस प्रकार वो फंक्शन करता है इन सारी चीज़ों को हमने अपने पहले व्याख्यान की श्रृंखला में जाना दूसरे व्याख्यान में हमने बीमा के ऐतिहासिक विकास के बारे में जानना जैसे कि दुनिया में बीमा किस प्रकार अस्तित्व में आया समुद्री बीमा का इतिहास क्या है अग्नि बीमा का इतिहास क्या है और किस प्रकार बीमा का भारत देश में विकास हुआ तो हमने इस चीज के बारे में अपने सेकंड लेक्चर में दूसरे व्याख्यान में हमने जाना कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इंश्योरेंस की क्या है भारत में या विदेश में किस प्रकार से बीमा का ऐतिहासिक विकास हुआ तीसरी श्रृंखला में हमने जानने की कोशिश की लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में जीवन बीमा के अवधारणा के बारे में जीवन बीमा का अर्थ क्या है उसकी परिभाषाएं क्या हैं जीवन बीमा का स्कोप क्या है उसका दायरा क्या है जीवन बीमा की प्रकृति क्या है और किस प्रकार से जीवन बीमा के अनुबंध का गठन किया जा सकता है यह सब कुछ हम अपने तीसरे व्याख्यान में जान चुके हैं चौथे व्याख्यान में हमने बीमा के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन की विभिन्न प्रकार के बीमा के सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं जिनमें से मुख्यतः जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक और कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल्स इनका बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर इनके बेसिस पर ही कोई भी बीमा का अनुबंध आधारित होता है तो हमारे लिए ये सारे प्रिंसिपल जानने जरूरी थे कि किस प्रकार से यह किसी भी अनुबंध को अपना इफेक्टिव करते हैं किस तरह से वह उसके ऊपर में असर डालते हैं आज के हमारे व्याख्यान में हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि वह कौन से जोखिम हैं जो कि बीमा योग्य हैं कौन से जोखिम हैं जो बीमा के योग्य नहीं हैं तो आज के व्याख्यान में हम कुछ ने कुछ विषयों को शामिल किया है जैसे कि बीमा योग्य जोखिम क्या हैं इसके अलावा जोखिम के लक्षण क्या हैं करेक्टिस्टिक्स ऑफ रिस्क के बारे में हम बात करेंगे इसके अलावा जोखिम का दायरा क्या है वाट इज़ द स्कोप ऑफ रिस्क और इसके अलावा जोखिम के तत्व क्या हैं अर्थात वट आर द एलिमेंट्स ऑफ रिस्क आज हम रिस्क के बारे में इंश्योरेबल रिस्क के बारे में इस पाँचवें व्याख्यान में डिस्कशंस करेंगे सबसे पहले हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट बेसिकली है क्या हम सभी अपने दैनिक जीवन में अनगिनत जोखिमों की आशंका या आशा करते हैं जीवन और व्यवसाय में बहुत जोखिम रहता है जोखिम का हानि से गहरा संबंध है प्रत्येक जोखिम के परिणामस्वरूप किसी ना किसी प्रकार की हानि होती है समुद्री कोई बीमारी मृत्यु हो जाने पर आग लगने पर भूकंप आदि के खतरों से हानि हो सकती है अर्थात हम कह सकते हैं कि जोखिम को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली हानि को खत्म किया जा सकता है या उसकी भरपाई की जा सकती है बीमा जोखिम को होने से नहीं रोक सकता लेकिन नुकसान के भुगतान की गारंटी देता है और इस प्रकार बीमा धारक को कष्टों से बचाता है जोखिम का प्रकार प्रीमियम दर सुनिश्चित करने का आधार है यानी कि कितना जोखिम होगा इस व्यक्ति के साथ कितना जोखिम जुड़ा हुआ है यह आपकी प्रीमियम दर को तय करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कोई भी हानि जिसे बीमा पॉलिसी कवर कर सकती है उसे बीमा योग्य जोखिम माना जा सकता है वो जो भी जोखिम जो इंश्योरेबल हैं जिनका बीमा किया जा सकता है हम उन सभी जोखिम को इंश्योरेबल रिस्क के नाम से जान सकते हैं इस प्रकार का वित्तीय जोखिम वह है जिसे बीमा प्रदाता स्वीकार्य मानता है और इसलिए कवरेज के लिए योग्य मानता है ऐसा परिदृश्य जहां बीमाकृत पक्ष के नियंत्रण से बाहर हानि या क्षति की उच्च संभावना होती है उसे बीमा योग्य जोखिम कहा जा सकता है बीमा कंपनी केवल मापने योग्य पूर्वानुमानित और प्रबंधित जोखिम ही स्वीकार करती है यानी कि जो जोखिम मेयरेबल है जिसे हम माप सकते हैं जिसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं या जो पूर्व अनुमानित है कि ऐसा हो सकता है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है और जो मैनेज्ड है जिसको मैनेज किया जा सकता है एक सही तरीके से जिसका मैनेजमेंट किया जा सकता है जब इन तीन चीज़ों का कंपनी भरोसा कर लेती है तभी वह आपके उस जोखिम को बीमा करती है सामान्यतः बीमाकृत पक्ष के नियंत्रण से बाहर की घटनाओं से होने वाली हानि बीमा योग्य जोखिम द्वारा कवर की जाती है इन घटनाओं में दुर्घटनाएं, चोरी आग या प्राकृतिक आपदाएं शामिल हो सकती हैं इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के जोखिमों को भी कवर किया जा सकता है यदि वे बीमित पक्ष के आचरण के कारण उत्पन्न हुए हों यानी कि कुछ ऐसे बीमा जो उस समय कैटेगराइज ना हो लेकिन आपके आचरण से वह बीमा योग्य माने जा सकते हैं किसी निश्चित घटना या परिस्थिति से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन करना बीमा योग्य जोखिम की एक और परिभाषा है अर्थात किसी घटना या कोई भी परिभाषित स्थिति है जिसे कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है जिसे हम माप कर सकते हैं जिसका हम मेयर कर सकते हैं उनसे जुड़े जोखिम का मूल्यांकन करना भी एक बीमा योग्य जोखिम की परिभाषा है आमतौर पर यह मूल्यांकन नुकसान की संभावना नुकसान की गंभीरता और कवरेज की लागत सहित तत्वों को ध्यान में रखकर की जाती है तो जब भी कोई बीमा योग्य जोखिम होता है उस जोखिम को बीमा करने से पहले जो आपका बीमा करता है वह उस होने वाले संभावित नुकसान की संभावना की मूल्यांकन करता है कि कितना नुकसान अपेक्षित है और उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और उसके कवरेज की लागत को ध्यान में रखते हुए ही बीमा का जोखिम कवर करने की कोशिश करता है और उसी के अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम भी तय होता है किसी भी बीमा पॉलिसी में बीमाकृत होने की आवश्यकता अवश्य शामिल होनी चाहिए हानि की निश्चितता सर्टेनिटी ऑफ लॉस मात्रात्मक जोखिम क्वान्टिफाइबल रिस्क विनाशकारी प्रकृति नॉन कैटेस्ट्रॉफिक नेचर उचित प्रीमियम रीज़नेबल प्रीमियम गणना योग्य कैलकुलेबल आकस्मिक एक्सीडेंटल और बड़ी हानि यानी कि बिग लॉस बीमा योग्य जोखिम की कुछ विशेषताएं हैं यानी कि जिस प्रकार की हानि होने की निश्चितता है कि इस प्रकार की हानि हो सकती है कितना क्वान्टिफाइबल है कितनी मात्रा में हो सकती है और उसकी कैटास्ट्रॉफिक नॉन कैटास्ट्रॉफिक नेचर क्या है इसके अलावा उसका कितना प्रीमियम होना चाहिए क्या वह नुकसान गणना के योग्य कैलकुलेशन के लायक है या नहीं है या वो एक्सीडेंटल है या नहीं है और उससे कितनी बड़ी हानि होने का स्कोप है इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही जोखिम जो है उसकी गणना की जाती है और उसी के अकॉर्डिंगली उसको कवर किया जाता है प्रीमियम का भुगतान और बीमा दावे इन चारों वेरिएबल से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं या फिर से ज्ञात हो कि बीमा कंपनियाँ जिन आकस्मिकताओं के लिए भुगतान करेंगी उन्हें बीमा योग्य जोखिम के रूप में जाना जाता है यह इंगित करता है कि कुछ जोखिम बीमा कंपनियों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं एक व्यक्ति एक दिन में कई प्रकार के खतरे उठाता है हालांकि उन जोखिमों के लिए प्रीमियम का भुगतान करना और आपातकालीन स्थिति में उनके लिए दावा दायर करना असंभव है यह संभव नहीं है किसी भी जोखिम की बीमा योग्यता स्वीकार करने से पहले कई आवश्यक शर्तों की पूरी करी जानी आवश्यक है यदि संभावित नुकसान इतना बड़ा है कि कोई भी बीमाकर्ता इसे कवर करने के लिए तैयार नहीं होता तो जोखिम को बीमा योग्य नहीं माना जा सकता यदि कोई जोखिम मापन योग्य नहीं है अनकिफाइबल है जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं माप नहीं सकते हैं बहुत बड़ा है या जो निश्चित है कि यह होगा ही या परिभाषित करना संभव है तो इसे बीमा योग्य नहीं माना जा सकता इसे हम यह कहकर परिभाषित कर सकते हैं कि जो जोखिम बीमा पॉलिसी के मानदंडों और विशेषताओं के अनुरूप होता है कि बीमा के मानदंड पूरे होते हैं उसे बीमा योग्य जोखिम कहा जा सकता है अर्थात कि जो पॉलिसी के कुछ मानदंड रखे हुए हैं मापदंड रखे हुए कुछ हैं कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें वे जिन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्क को उनको बीमा योग्य जोखिम या इंश्योरेबल इंटरेस्ट बर रिस्क कहा जा सकता है बीमा योग्य और गैर बीमा योग्य जोखिम के बीच अंतर सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से जोखिम बीमा योग्य हो सकते हैं और कौन से गैर बीमा योग्य जोखिम हो सकते हैं सबसे पहला अंतर जो इन दोनों के बीच में वह जो जोखिम बीमा योग्य हैं और जो नहीं हैं उनके बीच प्राथमिक अंतर यह है कि पहले वाला बीमा कंपनियों द्वारा कवर किए जाते हैं जबकि बाद वाले नहीं अर्थात बीमा योग्य जोखिम कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं और जो गैर बीमा योग्य जोखिम है उन्हें इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाता यदि कोई जोखिम बीमा किए जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है जैसे कि मापनीय रूप से बड़ा नुकसान निश्चित आकस्मिक और गैर विनाशकारी प्रकृति का होना तो यह गैर बीमा योग्य हो सकता है तो यह कुछ एग्जाम्पल है जिसके अकॉर्डिंगली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि बीमा योग्य और गैर बीमा योग्य जोखिम कौन से होते हैं दूसरा अंतर इनके बीच में है कि बीमाकर्ता को गैर बीमा योग्य जोखिम बहुत जोखिम भरा लग सकता है जो कि काफी रेशनल है यानी कि तर्क संकट है इस वजह से बीमाकर्ता ऐसे जोखिमों को कवर करने से बचने का प्रयास करते हैं जब घटना की संभावना बहुत अधिक होती है या दावा राशि की संभावना अधिक होती है जहाँ पर निश्चितता है कि घटना होगी ही होगी और बड़ी हानि होगी और बड़ा ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ऐसा हानि हो सकती है तो उस समय पर इंश्योरेंस कंपनी उन चीज़ों से बचने की कोशिश करती है लेकिन बीमाकर्ता अधिक प्रीमियम राशि चार्ज करके और दावों पर कार्रवाई करते हुए सख्त दिशा निर्देश लागू करके अधिक जोखिमों को कवर करने का प्रयास करते हैं हालांकि कुछ खतरे आवश्यक रूप से उनके दायरे से बाहर हो जाते हैं अर्थात एक ज़्यादा प्रीमियम लेकर और कुछ सावधानी के दिशा निर्देशों की पालना करवा के बीमा कंपनियां आपको आपके जो जोखिम हैं उनको कवर करने की कोशिश करती हैं तीसरा जो इनके बीच में मेजर डिफरेंस है वो है इसके अलावा बीमाकर्ताओं के लिए दुनिया में मौजूद हर तरह के जोखिम करना को कवर करना संभव नहीं है आखिरकार बीमा उद्योग में कई लोग इसे एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं और घाटे को कम करने के लिए काम करते हैं कुछ उदाहरणों में महामारी राजनीति प्रतिष्ठा व्यापार रहस्य आदि से जुड़े जोखिम शामिल हैं जो कवर करना संभव नहीं है क्योंकि पैंडमिक के बारे में अभी हमें खुद स्वयं मालूम है कि पैंडमिक का कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता और उस स्थिति में सबको बीमा प्रोवाइड करना भी पॉसिबल नहीं था इसके अलावा राजनीति क्या आपका राजनीतिक उतार चढ़ाव क्या रहेगा इस चीज़ के बारे में आपकी रेपोटेशन कहीं से डैमेज हुई है इन सब चीज़ों के बारे में बीमा करना संभव नहीं है अंतर को जानने के बाद में हम जोखिम के लक्षण के बारे में बात करते हैं कि जो जोखिम है जो रिस्क है उसके करेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक जोखिम है जिसको हम बीमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इनके लक्षण के बारे में डिस्कस करते हैं बीमा कंपनियों द्वारा जिन जोखिमों का बीमा किया जा सकता है उनमें आमतौर पर सात सामान्य विशेषताएं होती हैं पहली समान एक्सपोज़र इकाइयों की बड़ी संख्या मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एक्सपोजर यूनिट्स चूँकि बीमा पुलिंग संसाधनों के माध्यम से संचालित होता है अधिकांश बीमा पॉलिसियाँ बड़े वर्गों के व्यक्तिगत सदस्यों के लिए प्रदान की जाती हैं जिससे बीमाकर्ताओं को बड़ी संख्या के कानून से लाभ होता है जिसमें अनुमानित नुकसान वास्तविक नुकसान के समान होते हैं हालांकि सभी एक्सपोज़र में विशेष अंतर होंगे जिससे प्रीमियम दरें अलग अलग हो सकती हैं तो हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो सिमिलर एक्सपोज़र को अगर एक्सपोज रहती हैं उससे तो उस समय पर अनुमानित नुकसान को वास्तविक नुकसान के तुलना की जा सकती है तो ऐसा करके और बीमा करना आसान रहता है दूसरा जो आपका विशेषता है वह है निश्चित हानि हानि एक ज्ञात समय पर एक ज्ञात स्थान पर और एक ज्ञात कारण से होती है इसका उत्कृष्ट उदाहरण जीवन बीमा पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति की मृत्यु है अन्य प्रकार के नुकसान केवल सिद्धांत में ही निश्चित हो सकते हैं उदाहरण के लिए व्यवसायिक बीमारी यानी कि ऑक्यूपेशनल डिसीज जो आपको ऑक्यूपेशन के दौरान आपको किसी प्रकार की बीमारी हुई है उसमें लंबे समय तक हानिकारक स्थितियों का जोखिम शामिल हो सकता है जहाँ कोई विशिष्ट समय स्थान या कारण पहचान योग्य नहीं है आदर्श रूप से हानि का समय स्थान और कारण इतना स्पष्ट होना चाहिए कि एक उचित व्यक्ति पर्याप्त जानकारी के साथ तीनों तत्वों को निष्पक्ष रूप से स्थापित कर सके तो एक डेफिनेट लॉस होने की संभावना भी आपके बीमा योग्य जोखिम है या नहीं है इस स्थिति को डिफाइन कर सकती है इस चीज़ को आगे बीमाकर्ताओं को ये तय करने में मदद कर सकती है कि जोखिम है उसको बीमा करना है या नहीं करना है तीसरी जो विशेषता है वह आकस्मिक हानि एक्सीडेंटल लॉस वह घटना जो दावे को ट्रिगर करती है वह आकस्मिक होनी चाहिए या कम से कम बीमा के लाभार्थी के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है जो चीज आकस्मिक रूप से घटित हुई है वह बीमा की जा सकती है शुद्ध होनी चाहिए यानी कि वो समय के अनुसार अपने आप घटित हुई है इस अर्थ में कि यह एक ऐसी घटना से उत्पन्न होती है जिसके लिए केवल लागत का अवसर होता है ऐसी घटनाएं जिनमें काल्पनिक तत्व स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स शामिल होते हैं जैसे सामान्य व्यवसायिक जोखिम या यहाँ तक कि लॉटरी टिकट खरीदना आमतौर पर बीमा योग्य जोखिम नहीं माने जा सकते तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित होती हैं या बीमा के लाभार्थी बीमाकृत के अपने स्वयं के नियंत्रण से बाहर होती हैं उन्हें बीमा योग्य माना जा सकता है चौथी विशेषता जो बीमा रिस्क की है वह है विशाल हानि दैट इज लार्ज लॉस हानि का आकार बीमा धारक के दृष्टिकोण से सार्थक होना चाहिए अर्थात प्रीमियम प्रीमियम में नुकसान की अपेक्षित लागत साथ ही पॉलिसी जारी करने और प्रशस्ति करने घाटे को समायोजित करने और उचित रूप से आश्वासन करने के लिए आवश्यक पूंजी की आपूर्ति करने की लागत दोनों को कवर करने की आवश्यकता है कि बीमाकर्ता दावों का भुगतान करने में सक्षम होगा छोटे नुकसानों के लिए ये बाद की लागत नुकसान की अपेक्षित लागत के आकार से कई गुना अधिक हो सकती है तो हानि का आकार जो है वे बीमा धारक के दृष्टिकोण से सार्थक होना चाहिए पांचवी बीमा योग्य जोखिम की विशेषता है किफायती प्रीमियम अफोर्डेबल प्रीमियम यदि किसी बीमित घटना की संभावना इतनी अधिक है कि यह या घटना की लागत इतनी बड़ी है कि परिणामी प्रीमियम प्रस्तावित सुरक्षा की मात्रा से सक्षेप बड़ा है तो यह संभावना नहीं है कि बीमा खरीदा जाएगा यहाँ तक कि प्रस्ताव पर भी अर्थात जोखिम से अधिक अगर प्रीमियम है तो अनुमान यही है कि पॉलिसी नहीं खरीदी जाएगी इसके अलावा जैसा कि लेखांकन पेशे औपचारिक रूप से वित्तीय लेखांकन मान्यों में मान्यता देता है प्रीमियम इतना बड़ा नहीं हो सकता कि बीमाकर्ता को महत्वपूर्ण नुकसान होने की उचित संभावना ना हो अर्थात अगर किसी भी घटना को हम बीमित कर रहे हैं किसी भी आशंका को किसी भी जोखिम को हम बीमित कर रहे हैं तो उसके प्रपोर्शनेट ही आपका एफोर्डेबल प्रीमियम होना चाहिए बीमा योग्य जोखिम की छठी विशेषता है गणना योग्य हानि यानी कि कैलकुलेबल लॉस ऐसे दो तत्व हैं जो औपचारिक रूप से गणना योग्य नहीं होने पर भी कम अनुमान लगाने योग्य होने चाहिए यानी कि हानि की संभावना और संबंधित लागत नुकसान की संभावना आमतौर पर एक अनुभवजन्य अभ्यास है जबकि यदि उनके पास बीमा पॉलिसी के प्रति और उस पॉलिसी के तहत किए गए वादे से संबंधित नुकसान का सबूत है तो निश्चित रूप से विशिष्ट और उद्देश्यपूर्ण तरीके से लागत राशि निर्धारित करने की निकटता से संबंधित है यानी कि जो ऐसी हानि ऐसा जोखिम जो गणना योग्य है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं जिसका हम एस्टीमेट लगा सकते हैं और उसके बेसिस पर प्रीमियम तय कर सकते हैं वह जोखिम बीमा योग्य है बीमा योग्य जोखिम की सातवीं प्रमुख विशेषता है भाव्य रूप से बड़े नुकसान का सीमित जोखिम यानी कि लिमिटेड रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोफिकली लार्ज लॉसेस बीमा योग्य हानियाँ आदर्श रूप से स्वतंत्र और गैर विनाशकारी होती हैं जिसका अर्थ है कि हानियाँ एक साथ नहीं होती हैं और व्यक्तिगत हानियां इतनी गंभीर नहीं होती हैं कि बीमाकर्ता दिवालिया हो जाए यानी कि कंपनी बैंक्रप्ट हो जाए बीमाकर्ता किसी एक घटना से होने वाले नुकसान के प्रति अपने जोखिम को अपने पूंजी आधार के कुछ छोटे हिस्से तक सीमित रखना पसंद करते हैं पूंजी बीमाकर्ताओं की भूकंप मीना यानी कि अर्थक्वेक इंश्योरेंस के साथ साथ तूफान क्षेत्रों हरिकेन जोन्स में पवन बीमा विंड इंश्योरेंस बेचने की क्षमता को बाधित करती है यानी कि उसको कंस्ट्रेंट करती है तो काफ़ी आदर्श रूप से हम कह सकते हैं कि बीमा योग्य हानियाँ आदर्श रूप से स्वतंत्र और गैस विनाशकारी होती हैं बीमा के विशेषताओं को जानने के बाद में हम बीमा के स्कोप की बात करते हैं कि किसका जोखिम का दायरा क्या है बीमा व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जोखिमों से बचाता है जो किसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर उस पर या उसके परिवार पर पड़ सकते हैं इस घटना में बीमा धारक को किसी प्रकार की वित्तीय हानि शामिल होनी चाहिए या कम से कम जोखिम नामक किसी प्रतिकूल घटना से अवगत होना चाहिए अर्थात आपका कोई भी ऐसा रिस्क जिसका बीमा किया जा सकता है वह बीमा योग्य तभी होगा अगर उसमें किसी प्रकार की वित्तीय हानि शामिल होने की आशंका है या कम से कम जोखिम कम से कम नुकसान होने की या कोई प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना अधिक है आधुनिक समय में समय बीतने के साथ घटनाओं की नई किस्में जोड़ी गई हैं जैसे कि तृतीय पक्ष जोखिम थर्ड पार्टी लाइबिलिटी और दायित्व बिना बीमा अर्थात लाइबिलिटी इंश्योरेंस यह योगदानकर्ताओं को होने वाले कुछ जोखिमों या मापने योग्य आर्थिक नुकसान को स्थानांतरित करने का एक उपकरण है जिसे अन्यथा अकेले योगदानकर्ता द्वारा वहन किया जाता तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी रहती हैं जहां पर अकेला इंश्योरेंस कंपनी सारा का सारा जो जोखिम है जो उसको लॉस को बियर नहीं करता है बल्कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस या पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट हमारे सामने है जोखिमों की दो मुख्य श्रेणियां हैं शुद्ध और काल्पनिक अर्थात प्योर एंड स्पेकुलेटिव। अनिश्चितता और वित्तीय हानि की वास्तविक संभावना के साथ वित्तीय लाभ की कोई संभावना नहीं होना शुद्ध जोखिमों की विशेषता है शुद्ध जोखिम अर्थात अनिश्चितता और वित्तीय हानि की वास्तविक संभावना ऑटोमोबाइल वाहन टकराव एक अच्छा उदाहरण है जिसका हमें अनिश्चितता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा और वित्तीय हानि की वास्तविक उसमें संभावना बनी रहती है इसके विपरीत उदाहरण के लिए सट्टेबाजी जैसे जोखिमों में पैसा बनाने या खोने की संभावना लगभग समान रूप से रहती है इसलिए जो जोखिम शुद्ध हैं उनका बीमा किया जा सकता है अर्थात जो जोखिम अनिश्चित हैं और वित्तीय हानि की वास्तविक संभावना है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस स्थिति में नुकसान होगा ही होगा ऐसी संभावना है तो उनका बीमा किया जा सकता है जबकि जो जोखिम काल्पनिक हैं उनका बीमा नहीं किया जा सकता इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जोखिम को क्या बीमा योग्य बनाता है यानी कि व्हाट मेक्स ए रिस्क इंश्योरेबल क्या ऐसी तत्व हैं क्या ऐसी चीज़ हैं जो जोखिम को बीमा योग्य बनाते हैं जैसा कि इससे पहले बताया गया है कि बीमा योग्य जोखिम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी आपके जोखिम से होने वाली हानि के लिए बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी बीमाकर्ता को दी गई रियायत के रूप में कवर किए गए जोखिम पर विचार करें यदि आपको नुकसान होता है तो बीमाकर्ता के दावे का भुगतान करने के लिए सहमति के बदले में आप अपने वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं कुछ खतरे जैसे कि इमारत की टूट फूट या रख रखाव के मुद्दों से जुड़े समय के साथ केवल नुकसान पहुंचाते हैं आमतौर पर बीमाकर्ता इन हानि के लिए भुगतान नहीं करते हैं अर्थात जैसा कि जो भी आपके जोखिम जिन्हें की बीमा कंपनी बीमा योग्य मानती है बीमा योग्य जोखिम मानती है इंश्योरेबल रिस्क मानती है बीमा कंपनी उनके लिए उसका बीमा करेगी लेकिन कुछ संभावित घटनाएं जो काल्पनिक हैं या जो भविष्य में होनी है जिसके लिए इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता जैसे कि इमारतों की रख रखाव इमारत का किया जा सकता है लेकिन यह चीज़ सर्वविदित है कि समय के साथ इमारत की रख रखाव की आवश्यकता भी पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके इमारत की तो इंश्योरेंस कर सकती है कि संभावित घटना होने पर दुर्घटना होने पर वह उसका क्लेम आपको देगी लेकिन उसके रख रखाव के लिए उसके मरम्मत के लिए उसके टूट फूट के लिए वह जिम्मेदारी लेने से बचती है तो किसी जोखिम को बीमा योग्य होने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा यानी कि जोखिम जो कि बीमा योग्य हैं उस जोखिम के कुछ मानदंड हैं जैसे कि हमने भी पहले ही बात की थी कि कैलकुलेबल हो क्वांटिफाइबल हो और निश्चित हो इन सब चीज़ों के कुछ ऐसे मानदंड हैं जिन्हें पूरा करने के बाद वे जोखिम बीमा योग्य हो सकते हैं जिसमें शामिल है कि पर्याप्त वित्तीय जोखिम या व्यय जिससे बचाव के लिए व्यवसाय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए तैयार हैं ऐसे पर्याप्त जोखिम ऐसे पर्याप्त फाइनेंशियल लॉस या आपके एक्सपेंडिचर्स आपके खर्चे जिनके लिए बीमा कंपनी तैयार रहती हैं इसके अलावा सांख्यिकी रूप से पूर्व अनुमानित बीमाकर्ताओं को जोखिम की आवृत्ति और गंभीरता को सामान्य रूप से प्रस्तुत करना होता है यानी कि स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली वो रिस्क जो है वो कैलकुलेबल हो और पूर्व अनुमानित हो इस तरह के रिस्क को पूरा अगर इस तरह के मानदंड को कोई भी जोखिम पूरा करता है तो वह बीमा योग्य माना जा सकता है इसके अलावा चूंकि कई अन्य पॉलिसी धारक समान जोखिम के संपर्क में हैं इसलिए पॉलिसी धारकों का पूरा समूह नुकसान की लागत वहन कर सकता है चौथा समान प्रकृति के अन्य पॉलिसी धारकों के साथ एक साथ होने की संभावना नहीं है आवश्यक नहीं है कि सभी पॉलिसी धारकों को एक प्रकार का एक ही समय पर ज्ञात स्थान पे वह नुकसान हो इसके अलावा मनमाने ढंग से और पॉलिसी धारक के नियंत्रण के बिना इसके अलावा सटीक रूप से निर्दिष्ट स्पेसिफाइड मात्रात्मक यानी कि क्वांटिफाइबल और बीमा धारक से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ऑफ इंश्योरर, यह भी प्रमुख विशेषता है जो कि किसी भी जोखिम को बीमा योग्य बनाने में मदद करती है सातवीं पॉलिसी धारक के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य है। जोखिम इतना गंभीर नहीं हो सकता कि बीमा कंपनी को इसे वेयर करने से रोका जा सके या बीमा कंपनी इससे बचे तो आपका जो वित्तीय रूप से नुकसान है वह भी व्यवहार्य होना चाहिए वह भी काफ़ी जस्टिफाइड होना चाहिए अथवा यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के लॉसेस को बियर करने की कैपेसिटी में हो अथवा बीमाकर्ता इस तरह के हानियों को इस तरह के जोखिमों को बीमा योग्य बनाने से बीमा योग्य कवर करने से बचाव करते हैं तो यह कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स थी आपके जोखिम की जिसे हम बीमा योग्य मान सकते हैं अब हम ये बात करते हैं कि वो कौन से जोखिम हैं जिन्हें बीमा योग्य नहीं माना जाता या वो कौन से ऐसे रिस्क हैं जिन्हें इंश्योर्ड नहीं किया जा सकता कंपनियां किसी बीमाकर्ता को सभी जोखिम उठाने का दायित्व नहीं सौंप सकती चाहे वह कोई भी उद्योग का हो इसके अतिरिक्त बीमा कंपनियां सुविधा पर हर संभावित जोखिम का भुगतान करने में असमर्थ हैं अर्थात कंपनियां किसी भी बीमाकर्ता को सभी प्रकार के जोखिम उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकती रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दे सकती और कभी कभार एक्सपोज़र बहुत महंगा होता है हेरफेयर करना बहुत आसान होता है या आंकलन करना बहुत कठिन होता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जोखिमों को बीमा योग्य जोखिमों के रूप में जाना जाता है याद रखें कि बीमा शायद ही कभी स्पष्ट होता है बीमा ना किए जाने योग्य समझे जाने वाले अनेक ख़तरों में अनेक सूक्षमताएँ होती हैं फिर भी बीमाकर्ता कवरेज से इनकार कर देते हैं जब महंगे जोखिम के साकार होने की केवल थोड़ी सी संभावना होती है जबकि इसके ना होने की संभावना अधिक होती है फिर भी क्योंकि बीमाकर्ता इस बात से डरते हैं कि कहीं अगर किसी स्थिति में ऐसे नुकसान हो गए तो उस स्थिति में वह उस नुकसान को सहन नहीं कर पाएंगे इसलिए वह उन जोखिमों को बीमा योग्य नहीं मानते हैं जोखिम का मूल्यांकन तभी किया जाता है जब शेयर की राशि जिसे प्रीमियम का प्रतिफल कहा जाता है जिसे कंसिड्रेशन अमाउंट कहा जाता है वसूल करके व्यक्ति का बीमा किया जाता है अर्थात जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है उसके बेसिस पर प्रीमियम तय की जाती हैं और उस प्रीमियम के बेसिस पर कंसिड्रेशन अमाउंट ली जाती है प्रीमियम अमाउंट ली जाती है और उसके बाद किसी व्यक्ति का बीमा किया जाता है जोखिमों का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है यदि अधिक हानि की आशंका हो तो अधिक प्रीमियम लिया जा सकता है अभी हमने पीछे बात की है कि कुछ फैक्टर्स हैं क्वांटिफाइबल है, है जोखिम की संभावना कितनी अधिक है निश्चितता कितनी है प्योर है या नहीं है स्पेकुलेटिव है इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद ज्ञात समय इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के बाद एक प्रीमियम अमाउंट तय की जा सकती है अगर अधिक जोखिम जोखिम की संभावना है और हानि की संभावना उसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है संभाव्यता सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का उपयोग जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है हमने पिछले व्याख्यान में भी इस बारे में बात की थी कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आपका संभाव्यता सिद्धांत है वह बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी पॉलिसी के प्रीमियम को गणना करने में उससे यह पता लगता है कि वह नुकसान कितना संभावित है और हानि कितनी बड़ी हो सकती है और उसके प्रीमियम को डिसाइड किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि हानि की संभावना की गणना बीमा के समय या उससे पहले की जाती है बीमा दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है तत्कालिक या छोटी दूरी इमिजिएट और शॉर्ट रेंज या दूरस्थ या लंबी दूरी यानी कि रिमोट और लॉन्ग रेंज बीमा धारक की क्षति या मृत्यु पर एक निश्चित राशि या राशि का भुगतान करके तत्कालिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है यानी कि तात्कालिक या छोटी दूरी यानी कि जिसका उद्देश्य स्पष्ट है कि ऐसा निश्चित होगा होना ही होना है तो मृत्यु एक ऐसा उदाहरण है जिसको हम इमीजिएट लॉस के अंदर में या इमीजिएट रेंज के अंदर में हम इसको रख सकते हैं जोखिम को समझने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत हैं कुछ डेफिनेटिव प्रिंसिपल्स हैं जिनके द्वारा हम जोखिम को समझ सकते हैं कि जोखिम वास्तविक में है क्या बीमा अनुबंधों पर लागू होने वाले सात मूलभूत सिद्धांत हैं जो जोखिम को समझने के लिए प्रासंगिक हैं पर्टिनेंट हैं यानी कि जिनके द्वारा जोखिम को समझा जा सकता है उन सात सिद्धांतों को हम एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं पहला है अटमोस्ट गुड फेथ परम सद्भाव दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट बीमा योग्य जोखिम तीसरा प्रॉक्सीमेट कॉज निकटतम कारण चौथा इंडैमटी क्षतिपूर्ति पांचवा सब्रोगेशन यानी कि प्रस्थापन छठा कंट्रीब्यूशन, अर्थात अंशदान या योगदान सातवा मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस यानी कि हानि का न्यूनतमकरण ये सारे वो मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम रिस्क को जोखिम को समझ सकते हैं सबसे पहले हम परम सद्भाव की बात करते हैं अटमोस्ट गुड फेथ की बात करते हैं अर्थात एबेरिमा फाइड्स की बात करते हैं यह बीमा अनुबंधों का एक बहुत ही बुनियादी और प्राथमिक सिद्धांत है क्योंकि सेवा की प्रकृति बीमा कंपनी के लिए बीमित व्यक्ति के जीवन को एक निश्चित स्तर की सुरक्षा और एकजुटता प्रदान करता है हालांकि बीमा कंपनी को ऐसे किसी भी व्यक्ति पर नज़र रखनी होती है जो मुफ्त में पैसे हड़पने का तरीका ढूंढ रहा हो इसलिए प्रत्येक पक्ष से एक दूसरे के प्रति सद्भावना से काम करने की अपेक्षा की जाती है अर्थात दोनों पक्षों से बीमाकर्ता और बीमाकृत से यह अपेक्षा की जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ सद्भाव में काम करेंगे और गुड फेथ में काम करेंगे अर्थात एक दूसरे को सही जानकारी देंगे एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखेंगे और जो भी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में डिसाइड हुआ है पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है उसका सम्मान करेंगे यदि बीमा कंपनी आपको गलत या गलत तरीके से प्रस्तुत की गई जानकारी प्रदान करती है तो वो उन स्थिति में उत्तरदायी होंगे जहाँ इस गलत बयानी या झूठ के कारण आपको नुकसान हुआ है अर्थात एक रेसिप्रोकल है जिसमें बीमा कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह पॉलिसी के बारे में आपको सही जानकारियाँ प्रदान करे और साथ के साथ आपसे भी अपेक्षा आप की जाती है कि बीमा के प्रपोजल फॉर्म में या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप भर रहे हैं जानकारी आप दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो बिल्कुल उचित हो और जितना भी आप अपने बारे में जो कुछ सही जानकारी दे सकते हैं वह आप बीमा कंपनी को उसमें प्रदान करें दूसरा जो सिद्धांत जिसके द्वारा जोखिम तय होता है वह इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि बीमा योग्य जोखिम बीमा योग्य हित का अर्थ केवल यह है कि अनुबंध की विषय वस्तु को बीमा धारक या पॉलिसी होल्डर के लिए मौजूदा द्वारा कुछ वित्तीय लाभ प्रदान होना चाहिए और क्षतिग्रस्त नष्ट चोरी या खो जाने पर वित्तीय नुकसान हो सकता है जिन आकस्मिकताओं के लिए बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी उन्हें बीमा योग्य जोखिम के रूप में जाना जा सकता है तो कुछ ऐसे जोखिम हैं जिनके हो जाने पर जिनके नुकसान हो जाने पर बीमा योग्य कंपनियाँ उसको क्वान्टिफाइबल मानती हैं बीमा कंपनियाँ उसको कैलकुलेट कर सकती हैं बीमा कंपनियाँ उसको मेयर कर सकती हैं उसको माप सकती हैं ऐसे जोखिमों को बीमा कंपनियाँ कवर करती हैं उन्हें बीमा योग्य जोखिम मानती हैं और उस स्थिति में वह आपके नुकसान की भरपाई करती हैं जिन आकस्मिकताओं के लिए बीमा कंपनियां भुगतान करेंगी उन्हें बीमा योग्य जोखिम के रूप में जाना जाता है या इंगित करता है कि कुछ जोखिम बीमा कंपनियों द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं एक व्यक्ति एक दिन में कई प्रकार के खतरे उठा सकता है हालांकि उन सभी जोखिमों के लिए प्रीमियम का भुगतान करना और आपातकालीन स्थिति में दावा दायर करना संभव नहीं है सभी प्रकार के जोखिम जो हम दिनचर्या में या हमारे जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं या हमारे साथ हो सकते हैं उनका सबका बीमा करा जाना संभव नहीं है ना तो बीमा कंपनी के द्वारा और ना हमारे द्वारा इसलिए ऐसी स्थिति में उन पर दावा दायर नहीं किया जा सकता और उन्हें बीमा योग्य जोखिम नहीं माना जाता हालांकि अभी हमने यही इस बारे में डिस्कस किया कि ऐसे जोखिम जिन्हें कंपनी बीमा योग्य मानती है उनका वह बीमा करती है और घटना के घटित हो जाने पर जोखिम के हो जाने पर जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई की जा सकती है तीसरा जो इसमें हमने अभी आपसे बात की कि कुछ निश्चित सिद्धांत हैं उनमें से जो तीसरा निश्चित सिद्धांत है वह निकटतम कारण यानी कि प्रोक्सीमेट कॉज बीमित संपत्ति का नुकसान एक से अधिक घटनाओं के कारण भी हो सकता है इसलिए यहाँ तक कि एक के बाद होने एक के बाद एक होने वाली घटनाओं के कारण भी संपत्ति को नुकसान के कुछ कारणों के लिए बीमा कराया जा सकता है लेकिन सभी कारणों के लिए नहीं जब किसी संपत्ति का सभी कारणों से बीमा नहीं किया जा सकता तो निकटतम कारण का पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि ऐसा कौन सा निकटतम कारण है जिसके कारण यह नुकसान हुआ यह हानि हुई यदि निकटतम कारण वह है जिसके लिए संपत्ति का बीमा किया गया है तो बीमाकर्ता को मुआवजा देना होगा यदि यह वह कारण नहीं है जिसके लिए संपत्ति का बीमा किया गया है तो बीमाकर्ता को भुगतान नहीं करना पड़ता है इसलिए प्रॉक्सीमेट कॉज का इस सिद्धांत का बीमा करने या ना करने में जोखिम को कवर करने में या ना करने में काफ़ी बड़ा रोल रहता है अर्थात आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी एक संपत्ति का आपने एक भवन का अपनी इमारत का आपने एक बीमा करवाया है लेकिन उसका टूटने का कारण उसके ठीक रख रखाव नहीं होना है और वह चीज़ इसके अंदर में इंश्योर नहीं की गई है तो आपको उस प्रॉपर्टी के डैमेज होने का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा अगर उसका रीज़न एक्चुअल उस सम्पत्ति का ठीक रख रखाव ना होना है ज़्यादातर यह जो आपका यह प्रिंसिपल है जो ये आपका सिद्धांत है यह समुद्री बीमा में बहुत मदद करता है चौथा सिद्धांत जिसके बेसिस पर बीमा को बीमा योग्य या गैर योग्य माना जाएगा वह है क्षतिपूर्ति अर्थात इंडामी मुआवजे की राशि सीधे तौर पर हुए नुकसान से संबंधित होती है बीमा कंपनी नुकसान की राशि या अनुबंध में सहमत बीमित राशि जो भी कम हो भुगतान करेगी अर्थात कितना मुआवजे की राशि आपको मिलेगी या सीधे तौर पर आपको कितना नुकसान हुआ है किस कारण से नुकसान हुआ है इन सब चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करती है और आपको जितना भी नुकसान हुआ है बीमा कंपनी आपको उस एक्सटेंट तक भुगतान करेगी ना कि संपूर्ण बीमित राशि उदाहरण के लिए यदि आपकी कार का बीमा दस हज़ार रुपये का हुआ है लेकिन नुकसान केवल तीन हज़ार रुपये का हुआ है तो आपको बीमा कंपनी पूरी रकम नहीं बल्कि वास्तविक रकम यानी कि तीन हज़ार रुपये मुआवजे का भुगतान करेगी तो इस तरीके से हम इंडेमनीफाई करते हैं इस तरीके से कंपनी आपको इंडेमटी देती है क्षतिपूर्ति पूर्ति करती है कि जितनी आपकी क्षति हुई है उसकी उतनी पूर्ति की जाए मुआवजे का भुगतान तब नहीं किया जा सकता जब नुकसान का कारण बनने वाली घटना अनुबंध में आवंटित समय के दौरान या नुकसान के विशिष्ट सहमत कारणों से नहीं होती है जैसा कि हम प्रॉक्सीमेट कॉज के क्लॉज में भी इस चीज़ को देख सकते हैं अर्थात अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है जो आपकी पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कवर नहीं होती या ऐसा नुकसान जो किसी विशिष्ट सहमति कारणों से नहीं होता अर्थात जो कि कैलकुलेबल नहीं है या जो उससे संबंधित नहीं है तो उस सिचुएशन में इंडेमनीफाई नहीं किया जाएगा यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और जो प्रॉक्सीमेट कॉज है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि निकटतम कारण क्या है अगर निकटतम कारण वही है जो आपके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आपको दिया गया है तो आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी बीमा अनुबंध पूरी तरह से अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने के साधन के रूप में बनाए जाते हैं ना कि नुकसान से लाभ कमाने के साधन के रूप में इसलिए बीमा धारक को क्षतिपूर्ति के सिद्धांत द्वारा नुकसान से बचाया जाता है अर्थात जो प्रिंसिपल ऑफ फिंडामिटी है वह इस रूप से काम करता है कि जो जोखिम कवर किया गया है उससे जो वास्तविक नुकसान हुआ है जो वास्तविक हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए क्योंकि यह इंश्योरेंस जो है वह एक पैसा कमाने का जरिया नहीं हो सकता बल्कि आपकी क्षति की पूर्ति करने के लिए आपके हानि को पूर्ति करने के लिए किया जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो इंश्योरर है जो बीमा करता है वह आंकलन करता है कि क्या आपने जो जोखिम इंश्योर्ड करवाया है वह कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है या नहीं है और अगर है तो वास्तविक हानि का निकटतम कारण क्या है और निकटतम कारण के बाद में वास्तविक हानि कितनी हुई है इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद में कंपनी आपके नुकसान का भुगतान आपको करती है पांचवा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है सब्रोगेशन यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सब्रोगेशन अर्थात प्रस्थापन यह सिद्धांत थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है प्रस्थापन एक लेनदार यानी कि बीमा कंपनी को दूसरे के लिए प्रस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अन्य बीमा कंपनी जिसे हम कह सकते हैं अर्थात बीमा कंपनी अपने पॉलिसी धारक को भुगतान किए गए पैसे और इस पैसे को प्राप्त करने की लागत को वापस पाकर ही सबरोगेशन से लाभ उठा सकती है तीसरे पक्ष से जो भी अतिरिक्त भुगतान किया जाता है वह पॉलिसी धारक को दिया जा सकता है अर्थात पॉलिसी कंपनी ने इंश्योरर ने अगर आपको किसी प्रकार का कोई बीमा दिया है अगर आपको आंकलन करके उसकी भरपाई की है तो वह दूसरे से उस चीज का क्लेम कर सकती है और उस स्थिति में उस क्लेम में अगर उसको कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलती है तो वह इंश्योर्ड को यानी कि बीमा धारक को उसका हिस्सा प्रदान कर देती है सब्रोगेशन को समुद्री बीमा अधिनियम उन्नीस के तहत परिभाषित किया गया है इसमें कहा गया है कि बीमाकर्ता किसी तीसरे पक्ष के गलत काम के कारण बीमा धारक को हुए नुकसान का भुगतान करता है तो बीमाकर्ता के पास प्राधिकरण बीमा धारक के अधिकारों का हनन करता है और इसलिए बीमाकर्ता को भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए गलत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने में सक्षम है अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति की गलती के कारण अगर बीमा कंपनी ने आपको मुआवजा दिया है नुकसान की भरपाई की है तो बीमा कंपनी उस तीसरे व्यक्ति से उसी प्रकार दावा चलाने में या नुकसान की भरपाई करने में सक्षम है जिस प्रकार से आप हैं आप दूसरी स्थिति में यह कह सकते हैं कि वह कंपनी आपके स्थान पर खड़ी हो जाती है और जिस प्रकार आप दावा करते हैं नुकसान की भरपाई लेते वह उस तीसरे व्यक्ति से लेने की कोशिश करती है प्रत्यायोजन के सिद्धांत को लागू करने बीमाकर्ता बीमाकृत संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और उसके साथ ही बीमाकृत संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है दूसरे शब्दों में एक बार जब बीमाकर्ता संपत्ति के किसी नुकसान या क्षति के लिए बीमा धारक को भुगतान कर देता है तो संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार बीमाकर्ता के पास चला जाता है अर्थात मान लीजिए उदाहरण के लिए हम बात करते हैं अगर किसी कार का एक्सीडेंट होता है और कंपनी ने अगर आपको आपका फुल क्लेम दे दिया है पूरा मुआवजा दे दिया है जितना अपेक्षित है तो उसके बाद वह कार कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है उसके स्वामित्व की हो जाती है और कंपनी उसके बाद में दूसरी पार्टी से क्लेम भी कर सकती है और उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है अर्थात वह कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है उदाहरण के लिए अमित और मनीष एक कार दुर्घटना में शामिल थे परिणामस्वरूप अमित की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसे वाहन की मरम्मत के लिए तीन हजार रुपये की आवश्यकता पड़ी सौभाग्य से अमित की कार का बीमा था और उन्होंने बीमा दावे के माध्यम से मरम्मत की पूरी लागत वसूल कर ली आखिरकार एक जांच से पता चला कि दुर्घटना के लिए मनीष जिम्मेदार था क्योंकि उसने गति सीमा पार कर ली थी अमित की बीमा कंपनी ने मनीष से दावे की राशि वसूलने का फैसला किया क्योंकि उसने नुकसान पहुंचाया था ऐसे मामले में अमित की बीमा कंपनी अपने घाटे की भरपाई के लिए प्रतिस्थापन सिद्धांत का उपयोग कर सकती है और बीमाकर्ता अदालत में अमित के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने नुकसान की वसूली के लिए मनीष पर मुकदमा कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने अमित को पैसा दिया था उसके नुकसान के लिए लेकिन क्योंकि नुकसान मनीष ने किया था तो कंपनी अब प्रतिस्थापन सिद्धांत को फॉलो करते हुए अमित के स्थान पर खड़ा होकर मनीष से वसूली कर सकती है कुल मिलाकर प्रस्थापन बीमाकर्ताओं को अपने घाटे को कम करने और नुकसान के वित्तीय बोझ को जिम्मेदार पक्ष पर स्थानांतरित करके प्रीमियम कम रखने की अनुमति देता है या पॉलिसी धारकों को लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है इस प्रस्थापन के सिद्धांत का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि प्रीमियम के अमाउंट जो है वह कम रह सकती है अगर हम कंपनी को किसी और से जोखिम वसूलने के लिए मना कर दें कि आपको ही सिर्फ नुकसान की भरपाई करनी है तो वो आपसे इंश्योरेंस के अमाउंट भी ज़्यादा लेगा प्रीमियम के अमाउंट भी ज़्यादा लेगा लेकिन अगर उसे मालूम है कि मैं तीसरे पक्ष से जिम्मेदार पक्ष से इसकी वसूली कर सकता हूं तो हो सकता है उसके लिए वो आपसे प्रीमियम अमाउंट कम रखे छठा जो मुख्य सिद्धांत है वह है कॉन्ट्रीब्यूशन अंशदान अंशदान का सिद्धांत तो वहां काम आता है जहां एक जोखिम पर दो या दो से अधिक बीमा होते हैं अंशदान का उद्देश्य विभिन्न बीमाकर्ताओं को नुकसान की वास्तविक राशि वितरित करने के लिए बुलाना है जो एक ही विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न नीतियों के तहत एक ही जोखिम के लिए उत्तरदायी हैं एक से अधिक पॉलिसी के अंतर्गत बीमित इस प्रकार से विशिष्ट जोखिम को दोहरा बीमा भी कहा जाता है जहाँ एक से ज़्यादा इंश्योरेंसों वो उस नुकसान का कंट्रीब्यूशन आपस में कर लेते हैं यह सभी प्रकार के बीमा पर लागू होता है चाहे वह आकस्मिक जीवन या क्षतिपूर्ति बीमा हो यदि आपने कंपनी से पूरा दावा किया है तो आप इससे अन्य कंपनियों के संपर्क नहीं कर सकते ऐसे मामले में चूंकि एक बीमा कंपनी ने पूरा दावा चुका दिया है तो उसे अन्य बीमा कंपनियों से अनुपातिक दावा प्रोपोशनट क्लेम मांगने का अधिकार है अर्थात आपके पास तीन बीमा कंपनियां हैं उन्होंने इकट्ठा मिलकर आपको क्लेम किया और एक कंपनी ने आपको अगर सारा क्लेम दे दिया है तो आप बाकी दो से क्लेम नहीं मांग सकते लेकिन जिस कंपनी ने आपको सारा क्लेम दे दिया है वह प्रोपोर्शनेटली दूसरी कंपनियों से मांगने का अधिकार रखती है सातवां सिद्धांत है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस किसी अनिश्चित घटना में बीमित संपत्ति होने होने पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी सावधानियां बरतना बीमा धारक की जिम्मेदारी है बीमा अनुमान का मतलब है हर बार कुछ बुरा होने पर मुफ्त समान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए इसलिए संपत्ति पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए बीमा आधारक पर थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाती है वह इसको अपने तरीके से कर सकता है यानी कि आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करके सेफ्टी रखे इन सारी चीजों के द्वारा वह लॉस को मिनिमाइज कर सकता है हानि का न्यूनतमकरण कर सकता है जोखिम के कुछ तत्व हैं कुछ एलिमेंट्स हैं रिस्क के जिनके द्वारा जैसे कि भौतिक घटनाओं का अनुमान जीवन बीमा की तरह वैज्ञानिक रूप से लगाया जा सकता है लेकिन कुछ घटनाओं का सटीक पता नहीं लगा सकता जैसे कि आग दुर्घटना बाढ़ आदि का का घटना सटीक तय नहीं की जा सकती जोखिम का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है और इसके लिए प्रमुखता तौर पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी संभाव्यता सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कुछ ऐसे तत्व हैं जो बीमा जोखिम को कवर करना है नहीं यानी कि आपका जोखिम बीमा योग्य है या नहीं है यह तत्व डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जैसा कि एज कि आपकी कितनी एज है यह डिसाइड करेगी रिस्क को कवर करना है नहीं करना है इसके अलावा फिजिकल कंडीशन आपकी स्थिति कैसी है आपके शरीर की आपकी आंखों की आपके सुनने की ताकत एक्सेट्रा तीसरी आपकी पर्सनल हिस्ट्री और प्रेजेंट हैबिट यानी व्यक्तिगत इतिहास और वर्तमान आदतें किस प्रकार का आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड है आपकी पिछली आदतें कैसी रही हैं इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री आपकी कुछ पारिवारिक स्थिति भी जानी जाती है कि उन लोगों की हेल्थ कंडीशंस कैसी रही हैं इसके अलावा ऑक्यूपेशन कि आप किस प्रकार के व्यवसाय में हैं व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण दिशा में डिसाइड करता है कि आपका बीमा जोखिम आपका है वह बीमा योग्य है या नहीं है इसके अलावा आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कि आप किस जगह पर आप रहते हैं किसी हवादार स्थिति में या अस्वास्थ्यकारी या आपकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है इसके अलावा रेस और नेशनैलिटी यानी कि नस्ल और राष्ट्रीयता कई राष्ट्रों की अपनी अपनी जीवन शैली और जलवायु है तो वह भी आपके बीमा योग्य जोखिम पर असर डाल सकती है इसके अलावा कुछ फायर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भी तत्व हैं यानी कि संपत्ति का निर्माण कैसा हुआ है संपत्ति किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जा रही है संपत्ति किस स्थान पर स्थित है समुद्री बीमा में भी इसी प्रकार के जोखिमों को कवर किया जा सकता है तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हम इन एलिमेंट्स के और इन सभी चीज़ों के बेसिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी हानि जिसे बीमा पॉलिसी कवर कर सकती है उसे बीमा योग्य जोखिम माना जा सकता है और जो जोखिम बीमा योग्य नहीं है उनके और जो हैं उनके बीच में प्राथमिक अंतर यही है कि बीमा योग्य जोखिम बीमा कंपनियों द्वारा कवर किए जाते हैं जबकि दूसरे वाले नहीं आधुनिक समय में घटनाओं की नई किस्में जोड़ी गई हैं जैसे कि तृतीय पक्ष जो जोखिम और लाइबिलिटी इंश्योरेंस जोखिम की दो मुख्य श्रेणियां हैं शुद्ध और काल्पनिक संभाव्यता सिद्धांत का उपयोग जोखिम के मूल्यांकन के लिए किया जाता है बीमा अनुबंधों पर लागू होने वाले सात मूलभूत सिद्धांत हैं जो जोखिम को समझने के लिए प्रासंगिक हैं उम्मीद है आपको बीमा योग्य जोखिम के कॉन्सेप्ट के बारे में काफी हद तक समझ आया होगा धन्यवाद Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.